tracks. एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब काशी लीही के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है और लीही काशी को देखता ही रहता है। तो काशी लीही को डांटते हुए कहती है कि मुझे घूरना बंद करो और आंसर्स पर ध्यान दो। सीन शिफ्ट होता है और हम काशी की फ्रेंड हुआंग को देखते हैं, जिसके पास लीही का फ्रेंड आकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं हॉरर मूवी देख रही हूँ। तो लीही का फ्रेंड कहता है कि मैंने भी इस मूवी को देखा है, ये बहुत ही कमाल की मूवी है। लीही का फ्रेंड हुआंग से कहता है कि हम दोनों क्लास फेलो हैं, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। उसकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि आज तक मुझसे ये बात किसी ने नहीं की। तो लीही का फ्रेंड कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा और अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। इधर हम काशी को देखते हैं जो अपने भाई से कहती है कि तुम किधर जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, मैं घर जाकर तुमसे मिलूंगा। कि तभी वहाँ पर काशी की फ्रेंड जुई आ जाती है, जो उसे आकर कहती है कि मुझे तुम्हारा VIP कार्ड चाहिए क्योंकि मुझे कुछ बुक्स को बाय करना है और तुम्हारे कार्ड पर 10% डिस्काउंट है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो काशी बहुत ज़्यादा सोचती है लेकिन फिर उसके फोर्स करने पर उसे ये कार्ड दे देती है और उसे कहती है कि इसे यूज़ करने के बाद मुझे वापस कर देना। नेक्स्ट डे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां लीही अपने फ्रेंड से कुछ खाने के लिए मांगता है, उसका फ्रेंड उसे एक बिस्किट देता है। तभी टीचर लीही से कहती है कि खड़े होकर इस पैराग्राफ को रीड करो। लीही की प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी गलतियां होती हैं, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर टीचर जीयू से कहते हैं कि तुम इस पैराग्राफ को रीड करो और जीयू उस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करता है। और फिर लीयू कहता है कि इस पैराग्राफ को रीड करना इतना भी मुश्किल नहीं था। तो क्लास जैसे ही खत्म होती है, काशी अपने फ्रेंड से पूछती है कि मेरा VIP कार्ड कहाँ है। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो कार्ड मेरे बैग में है, लेकिन जैसे ही अपने बैग को चेक करती है तो वो कार्ड उसमें नहीं होता। काशी उससे पूछती है तो उसे याद आता है कि उसने वो कार्ड बैग के अंदर रखा था और उसने वो बैग गार्बेज में फेंक दिया है। ये सुनकर काशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भागकर गार्बेज के पास जाती है ताकि उस कार्ड को ढूंढ सके। इधर जीयू काशी को ढूंढता हुआ उसी लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने काशी को देखा है। तो वो कहती है कि वो किसी चीज़ को ढूंढ रही थी और वो शायद गार्बेज के पास गई है। उसकी ये बात सुनकर जीयू भी गार्बेज के पास जाता है जहाँ काशी उस कार्ड को ढूंढ रही होती है जो लीही ने उसे दिया था। और फिर काशी जीयू से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो उस कार्ड को ढूंढने में। जीयू काशी से कहता है कि वो कार्ड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन काशी कहती है कि वो कार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कार्ड मुझे लीही ने दिया था। कि तभी वहाँ पर लीही आ जाता है जो जीयू और काशी को एक साथ देख लेता है और बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वो काशी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो काशी उसे कहती है कि जो कार्ड तुमने मुझे दिया था मैं वो ढूंढ रही हूँ। लीही काशी से कहता है कि तुमने मेरे कार्ड को घुमा दिया है। तो काशी उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे कार्ड को नहीं घुमाया, मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था क्योंकि उसे बुक्स बाय करनी थी। लीही काशी से कहता है कि तुम मेरा कार्ड किसी को ऐसे कैसे दे सकती हो और उससे पूछता है कि जीयू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो काशी लीही से कहती है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है। लीही काशी से कहता है कि तुम्हें मेरा कार्ड किसी को भी ऐसे नहीं देना चाहिए था। तो काशी लीही से कहती है कि लेक्चर देना बंद करो और कार्ड ढूंढने में मेरी हेल्प करो। लीही इरिटेट होकर कहता है कि तुम्हें जीयू की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम चलो मेरे साथ यहाँ से। और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको ले जाता है। और जीयू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उससे वही बैग नजर आ जाता है जिसके अंदर लीहू का कार्ड होता है और वो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो काशी की फ्रेंड उसके पास आकर कहती है कि ये कार्ड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तो जीयू काशी के फ्रेंड से कहता है कि ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो दूसरों के लिए भी इम्पोर्टेंट ना हो। और फिर उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है अगर किसी से कोई चीज़ लेती हो तो उसको संभाल कर भी रखा करो। और फिर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि लीही ने काशी के हाथ को जोर से पकड़ा होता है तो काशी भी उसके सर के बालों को नोचती है। तो लीही काशी से कहता है तुम लड़कियां दूसरों के बालों को क्यों नोचती रहती हो। तो काशी से कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने आगे से मेरा हाथ ऐसे पकड़ा तो मैं तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगी। तो लीही भी काशी को वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने आगे से मेरी चीज़ें ऐसे किसी को भी दी तो मैं तुम्हारे साथ फिर से ऐसे ही करूंगा। तो काशी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसकी दोस्त ने उससे ये कार्ड मांगा था और उसने उससे बुक्स लेने के लिए दे दिया था। और फिर उसको बताती है कि वो कार्ड ढूंढने के लिए गार्बेज के आई थी और जीयू वहां से गुजर रहा था तो मैंने उसे अपनी हेल्प के लिए बोल दिया। तो लीही काशी से कहता है कि बस यही सच है,
तो काशी कहती है कि हाँ यही सच है। कि तभी काशी वहां से जाने लगती है तो लिही काशी से कहता है कि रहने दो, मैं इस तरह का एक और नया कार्ड तुम्हें ले दूंगा। तो काशी कहती है कि मैं कार लेने के लिए नहीं बल्कि घर जा रही हूँ, अब क्या मैं घर भी नहीं जा सकती। तो लिही काशी से कहता है कि रुको मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो काशी लिही से कहती है कि नहीं मैं खुद चले जाऊंगी। लिही काशी से कहता है कि अंधेरा होने वाला है, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन काशी कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो मैं खुद ही चले जाऊंगी। लेकिन लिही फिर भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को देखते हैं जो जैसे ही घर आता है तो उसके डैड उससे लेट आने की वजह पूछते हैं। तो वो अपने डैड से कहता है कि मैं कुछ बुक्स बाय कर रहा था जहां मुझे टाइम लग गया। जियो की मॉम उसे कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम तुम्हारे बारे में परेशान हो रहे थे। जियो अपनी मॉम से कहता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जियो के डैड उसे कहते हैं कि सिर्फ ध्यान नहीं रखना होगा, तुम्हें इस पर अमल भी करना होगा। कि तभी जियो की मॉम कहती है कि पहले उसे खाना खा लेने दें। नेक्स्ट हम काशी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे पता है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर किसी से कोई चीज लेती हो तो उसका ध्यान रखा करो। काशी की बात सुनकर उसकी फ्रेंड उससे सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। कि तभी जियो आकर काशी का कार उसे देता है, जिसे देखकर काशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जियो से पूछती है कि ये कार तुम्हें कहां से मिला। जियो उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है। काशी जियो का थैंक्स करती है तो जियो काशी से कहता है कि सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तो काशी अपने बैग से एक जूस निकाल कर उसे देती है और कहती है कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही है। और फिर जियो उसके सर पर अपनी फिंगर से हिट करता है जो लिही देख लेता है। और जैसे ही लिही अपनी सीट पर आकर बैठता है तो वो काशी के सर पे फिर से हिट करता है और उससे पूछता है कि जियो तुमसे क्या कह रहा था। तो काशी लिही को बताती है कि वो मुझे मेरा कार्ड वापस कर रहा था। लिही काशी से कहता है तो क्या वो तुम्हें सिर्फ कार्ड दे रहा था। काशी लिही से कहती है कि हाँ, और इसी बात पर उन दोनों की फाइट होना शुरू हो जाती है। काशी अपनी चेयर को आगे करती है तो वहीं लिही उसकी चेयर को खींचकर पीछे कर लेता है और उनकी ये फाइट चलती रहती है। कि तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को खड़े होने के लिए बोलते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि कल केमिस्ट्री लैब में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबको पनिशमेंट दे रहा हूँ। सभी स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स केमिस्ट्री लैब्स के सारे रूल्स लिखेंगे और सभी एकेडमिक स्टूडेंट्स इस बार स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये अनाउंसमेंट करके प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं और फिर उनकी क्लास टीचर उनसे कहती है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक एक्सरसाइज है और आप सभी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और वैसे भी इस रेस को जीतना हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है। कि तभी लिही का फ्रेंड खड़े होकर कहता है कि हमारे पास लिही जैसा चैंपियन है, हम इस रेस को जरूर जीतेंगे। तो लिही अपने फ्रेंड से बैठने के लिए बोलता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शो ऑफ ना किया करो। और टीचर कहती है कि सभी स्टूडेंट्स इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपना 100% दें। सीन शिफ्ट होता है और हम लिही और उसके दोस्तों को कैंटीन में बैठे हुए देखते हैं जहां लिही अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए ABCD याद कर रहा होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि ये तो बहुत ही ईजी है, मुझे सारी याद हो गई है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, चीफ ये जूनियर स्टूडेंट्स के लिए बुक है और आप सीनियर हैं। तो लिही कहता है तो फिर क्या हो गया, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। कि तभी वहां पर ही आ जाता है जो कि लिही का कॉम्पिटिटर है जो उसके साथ हर रेस में कॉम्पिटिशन करता है और वो लिही से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार का कॉम्पिटिशन तुम जीत पाओगे क्योंकि तुम एक पढ़ाकू बच्चे बन गए हो जो ABCD याद कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर लिही अपने फ्रेंड से कहता है कि लास्ट ईयर का चैंपियन कौन था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि चीफ आप ही चैंपियन हैं। और फिर ये बात लिही अपने कॉम्पिटेटर को बताता है, उसे कहता है कि यहाँ का चैंपियन सिर्फ मैं ही हूँ। उसका कॉम्पिटेटर ही उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस बार अगर तुमने रेस में मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें डैड कहूंगा और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तुम मेरे कैंटीन का एक हफ्ते का बिल दोगे। ही उसे कहता है अगर तुम हार गए तो तुम साथ ही साथ टर्टल का ड्रेस भी पहनोगे, जो सुनकर लिही मान जाता है क्योंकि उससे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि इस रेस को मैं ही जीतूंगा। ही के वहां से जाने के बाद लिही के फ्रेंड उसे कहते हैं कि आपको पता है ना कि इस बार एकेडमिक स्टूडेंट्स भी हमारे साथ रेस में हिस्सा लेंगे जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा वीक हैं। अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर लिही उसे कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं पार्टिसिपेट करने से पहले ही हार मान लूं। लिही कहता है मैंने प्रॉमिस कर दिया है, चाहे जो भी हो जाए मैं इस प्रॉमिस को पूरा करके रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां कोच सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। कोच सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि आप में से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे जिसमें से 2 गर्ल्स होंगी और 2 बॉयज होंगे, 2 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कैटेगरी से होंगे और 2 स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन से होंगे। उसके बाद कोच उन सबको स्ट्रेचिंग करने के लिए कहता है। लिही काशी से कहता है कि तुम मेरी स्ट्रेचिंग करो, तो काशी उसे कहती है कि मुझे स्ट्रेचिंग नहीं करनी आती। तो लिही उसे कहता है कि यह बहुत ही सिंपल है, मैं वहां जाकर बैठूंगा तो मेरी बैक की स्ट्रेचिंग करना। काशी जैसे ही जाने लगती है तो जियो काशी से कहता है कि तुम रहने दो मैं इसकी स्ट्रेचिंग करता हूं। और फिर जैसे ही लिही स्ट्रेचिंग के लिए कहता है तो फिर जियो बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी स्ट्रेचिंग करता है। इसके बाद कोच सभी स्टूडेंट्स की रेस की ट्रेनिंग करवाता है और ट्रेनिंग के बाद 4 स्टूडेंट्स को फाइनलाइज करता है। साथ ही साथ हम लिही को भी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि लिही बहुत ही अच्छा एथलीट है। उसके बाद हम लिही और काशी को बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं। काशी लिही से कहती है कि तुम इतनी अच्छी रनिंग कैसे कर लेते हो।
तो निहू से कहता है कि जिस तरह तुम अच्छी रीडिंग कर लेती हो उसी तरह मैं अच्छी रीडिंग कर लेता हूँ, वैसे भी ये मेरा प्रोफेशन है। और फिर काशी लिही से कहती है, तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में कभी नहीं सोचा? लिही कहता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। और फिर लिही काशी से कहता है कि तुम मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों कर रही हो, जो सुनकर काशी हंस पड़ती है। और लिही से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचूंगा। इधर हम कोच को देखते हैं जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 4 स्टूडेंट्स को फाइनलाइज करता है, जिसमें 2 स्टूडेंट्स गर्ल्स और 2 स्टूडेंट्स बॉयज होते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स रेस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं कि तभी लिही की टीम की एक मेंबर सबको धोखा देकर वहां से गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं क्योंकि रेस स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम रह जाता है। और तभी लिही को पता चलता है कि उसकी एक टीम मेंबर यहां पर मौजूद नहीं है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी काशी कहती है कि मैं उसकी जगह रेस में हिस्सा लूंगी। लिही उसे मना करता है क्योंकि काशी का पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। काशी लिही से कहती है कि टाइम बहुत कम रह गया है और हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि उस लड़की की जगह मैं रेस में हिस्सा लूं। लिही इस बारे में बहुत सोचता है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो काशी को हाँ बोल देता है। और फिर जीयू काशी से कहता है कि तुम्हें बहुत ही ध्यान से भागना होगा, ये लड़की क्लास 1 की बेस्ट रनर है और तुम्हें इसके साथ कंपटीशन करना है। और फिर फायर की आवाज सुनते ही रेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। लिही की टीम रेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन जैसे ही काशी की बारी आती है तो वो कंप्लीट करने से पहले गिर जाती है। उसे देखकर लिही अपनी रेस को छोड़ देता है और उसकी हेल्प करने लग पड़ता है कि तभी काशी उसे कहती है कि तुम्हें अपनी रेस को कंप्लीट करना चाहिए। और फिर लिही अपनी जी जान लगाता है लेकिन सिर्फ 2 सेकंड से इस रेस को हार जाता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। इवन के लिही भी बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। यहीं पर हमारा पार्ट 6 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।